कोठीमीना बाजार मैदान पर लगा डिज्नीलैंड मेला इस समय सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेला अभी आगे भी जारी रहेगा, लोग अभी भी मेले का लुफ्त आसानी से उठा सकते हैं। मेला अभी खत्म नहीं हो रहा है। मेले की जानकारी आयोजक रघुवीर सिंह भदौरिया ने दी। कोठीमीना बाजार मैदान में चल रहे डिज्नीलैंड मेला अभी बंद नहीं हो रहा है, मेला अभी आगे भी जारी रहेगा। मेले का आनंद बड़े, बच्चे, महिलाएं अभी भी ले सकते हैं। मेला अभी समाप्त नहीं हो रहा है। मेला आगे चलने की जानकारी आयोजक रघुवीर सिंह भदौरिया ने दी। वन पार्क डिज्नीलैंड मेला गर्मियों में हड़ताल लगता है। ये मेला करीब 20 दिन चलते हुए हो गए मेले को, और अब की बार इस मेले में एक मछलियों वाला गेट वेस्टर्नल बहुत बढ़िया, जो कि पब्लिक के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पब्लिक अपार भीड़ के साथ आ भी रही है और देख भी रही है और मनोरंजन भी कर रही है। झूले भी उसी प्रकार से झूले हैं जैसे हर साल झूले लगते थे। झूले, दुकानें, खाने पीने के स्टॉल और कई तरह की सुविधाएँ, सारी व्यवस्थाएँ हमारी हर तरह से, और ये मेला अभी आगे भी चलेगा, चलता रहेगा। डिज्नीलैंड मेला पूरे देश में मशहूर है। मेले में छोटे झूले से लेकर बड़े झूले बच्चों और बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले के अंदर मौत का कुआं भी है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मेले में खान पान के साथ साथ महिलाओं के लिए घरेलू सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। हाँ, पिस्टल का रेट हमने 50 रुपए रखा है, जो कि वैसे 100 रुपए रखते हैं लोग, लेकिन हमने 50 रुपए रखा है पब्लिक की उसको देखते हुए। खाने पीने का स्टॉल है, खाने पीने का स्टॉल है, चाट है, छोले भटूरे, सारे चाउमीन और सब कुछ है, सॉफ्टी है और भी है, कई तरह के भट्टे वगैरह सब है। महिलाओं के लिए खरीदारी के लिए सब कुछ है, बैग है, पर्स है, क्रॉकरी है और भी कई तरह के स्टॉल है हर तरह से। मेले के अंदर फिश टनल लोगों के बीच सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी खास बात यह है कि यह महज 50 रुपए में ही फिश टनल दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरी जगह इसकी कीमत 100 रुपए रखी गई है। मेला अभी आगे भी जारी रहेगा। सी न्यूज के लिए विनोद जूनर की रिपोर्ट।